हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में अगर बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपने जहन में आता है लोक नृत्य एवं नृत्य। तो आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नृत्य एवं लोक नृत्य। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के नृत्य एवं लोक नृत्य। दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, और कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। कथक का आदिम घराना है जयपुर, और कथक का आधुनिक घराना है लखनऊ। बिरजू महाराज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है कथक के। अब फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं जनजातियों के नृत्य से, ताकि उससे अपने को समझना थोड़ा आसान रहेगा कि कालबेलिया जाति के नृत्य क्या है, कंजर जाति के नृत्य क्या है, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कालबेलिया जाति के नृत्य से शुरुआत करते हैं। कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबोबाई, जो कि कालबेलिया समाज की प्रथम अध्यक्ष भी गुलाबोबाई हैं। ये डांस स्कूल भी चलाती हैं गुलाबोबाई। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अमृत सूची में शामिल कर लिया गया है। फ्रेंड्स, कालबेलिया नृत्य ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस है। कालबेलिया राजस्थानी नृत्य का जब भी नाम आता है तो कालबेलिया नृत्य का आता ही है जिक्र। ठीक है, कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य है भांगड़िया, जो महिलाएं करती हैं ओनली, और दूसरा नृत्य है पणिहारी, जो महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं। ये पानी भरते टाइम पे करने वाला नृत्य है, महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं इसको। संकरिया नृत्य है, और चौथा नृत्य इंडोली, जो कि महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं। नेक्स्ट, कंजर जाति के नृत्य। फ्रेंड्स, कंजर जाति के नृत्यों की बात करते हैं तो दो मुख्य नृत्य हैं इनके, धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। धाकड़ नृत्य मतलब नाम से ही अपने को दिख रहा है, धाकड़ मतलब हाथ में हथियार लेकर किया जाता है ये नृत्य, धाकड़ नृत्य कहलाता है। कौन? कंजर जाति के नृत्य। और दूसरा नृत्य है चक्री, इसे फूंदी नृत्य भी कहा जाता है। कजली तीज के मेले में युवतियाँ करती है इसको। कजली तीज का मेला बूंदी में जो हो पड़ता है, वहाँ पर युवतियाँ चक्री नृत्य करती हैं। तीसरा, भील जाति के नृत्य। फ्रेंड्स, भील जाति के बहुत सारे नृत्य हैं। इसमें सबसे पहला है गेर, जो होली के अवसर पर किया जाता है। ये केवल पुरुष करते हैं, और महिलाएं इसके प्रत्युत्तर में फाग गीत गाती। जो फाग गीत होता है ना, वो महिलाएं इस टाइम पे गाती है, और पुरुष गेर नृत्य करते हैं। ये कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का गेर नृत्य प्रसिद्ध है। सेकेंड नृत्य, युद्ध नृत्य भीलों का, हाथ में हथियार लेकर किया जाता है युद्ध। इस नृत्य में शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। ये युद्ध नृत्य है, हाथ में हथियार लेकर करते हैं, और इस नृत्य में शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है गौरी, इसे राय नृत्य भी कहते हैं। ये एक नाटक है, इसमें भगवान शिव को पूरिया कहते हैं, ये स्त्री एवं पुरुष दोनों करते हैं। ये एक प्रकार का नाटक है। चौथा नृत्य है भीलों का नेजा, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य है। ये होली के तीसरे दिन किया जाता है। नवविवाहित स्त्री एवं पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य में खंभे पर एक नारियल बांधा जाता है, और पुरुष उसको उतारने चढ़ता है, सॉरी रॉन्ग टाइप, पुरुष उसको उतारने चढ़ता है, और महिला उसकी पिटाई करती है। क्या आप समझे इस नृत्य में क्या होता है, एक खंभे पर नारियल बांधा जाता है, और पुरुष उसको उतारने के लिए चढ़ता है, और महिला उसकी पिटाई करती है, मतलब उसको उतारने से रोकती है। नेक्स्ट नृत्य है हाथी मना, ये विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ओनली केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर करते हैं। हाथी मना हाथ में तलवार लेकर करते हैं। घूमर नृत्य, ये भीलों में फेमस है, और घूमर नृत्य तो आपको पता ही है, ऑल ओवर राजस्थान में सब जातियों में फेमस है। तो घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, द्विचकी, द्विचकी नृत्य विवाह के अवसर पर महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। चौथा है गरासिया जाति के नृत्य। गरासिया जाति का प्रमुख नृत्य है गौर, गणगौर के अवसर पर किया जाता है, स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा। गरासियों का एक मुख्य नृत्य है वालर, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, ये भी गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य अर्धवृत्ताकार पथ पर महिला एवं पुरुष द्वारा मंद गति से किया जाता है। तीसरा नृत्य है गराशियों का गरबा, जो कि मुख्य रूप से गुजरात का है, राजस्थान में उदयपुर एवं सिरोही में किया जाता है। चौथा नृत्य है गराशियों का मोरिया, जो कि विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। पांचवा नृत्य है जवारा,
जो कि होली के अवसर पर किया जाता है, स्त्री एवं पुरुष दोनों करते हैं जवारा नृत्य को। ठीक है फ्रेंड्स, छठा नृत्य है कूद, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये भी एक तो वालर नृत्य था गरासियों का, एक कूद, गरासियों के दो नृत्य हैं वालर और कूद, जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मादल, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ग्रासियों का नृत्य मादल, जो कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य लूर नृत्य है, मादल के बारे में, मादल पर भी गरबा नृत्य का प्रभाव है, इस पर भी और वृत्ताकार पथ में किया जाता है। नेक्स्ट है लूर नृत्य, ये भी शादी और मेले के अवसर पर किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और रायण, रायण नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बंजारा जाति के नृत्य, बंजारा जाति में एक नेजा नृत्य होता है, इसके बारे में आपको पता ही है, नेजा नृत्य ऊपर अपन ने पढ़ लिया, नेजा में क्या होता है, नवविवाहित दंपति करते हैं इसको। मछली नृत्य, ये पूर्णिमा, सॉरी पूर्णिमा के दिन किया जाता है, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका आरंभ तो खुशी के साथ होता है और अंत दुख के साथ होता है। इसमें कुंवारी लड़की स्वयं को पार्वती एवं चांद को शिव मानती है। मीणा जाति के नृत्य, मीणा जाति में भी नेजा नृत्य होता है और रसिया, दो नृत्य प्रसिद्ध है मीणा जाति के। गुर्जर जाति के नृत्य, चरी नृत्य, चरी नृत्य किशनगढ़ का फेमस है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की फलकुबाई, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकुबाई। मेव जाति के नृत्य, अलवर में इनके नृत्य प्रसिद्ध हैं, मेव जाति प्रमुखतः अलवर में पाई जाती है, तो वहाँ इनके दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, रणबाज और रतवई। मेव जाति के दो ही नृत्य, मेव जाति के दो ही नृत्य हैं, रणबाज और रतवई, दोनों फेमस हैं जो कि अलवर साइड में फेमस हैं। नेक्स्ट है कथोड़ी जनजाति के नृत्य, इनका पहला नृत्य होली नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, और दूसरा नृत्य है मावलिया, ये नवरात्रों में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट सहरिया जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य हैं शिकारी नृत्य और लहंगी नृत्य, दो ही नृत्य सहरिया जनजाति में फेमस हैं। अब हम क्षेत्र के अनुसार नृत्य पढ़ते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। फ्रेंड्स, शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य को याद रखने के लिए आपको एक सूत्र बताता हूँ, जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे। चड़गी कच्छी घोड़ी, ये शेखावाटी के नृत्य हैं। छ से चंग नृत्य, ढ से ढप नृत्य, घी से गीदड़ नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य, ये चार नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में बहुत फेमस है। चड़, घी, कच्छी घोड़ी, चंग, ढप, गीदड़ और कच्छी घोड़ी नृत्य। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। चंग नृत्य केवल पुरुष करते हैं होली के अवसर पर। गीदड़ नृत्य होली के डांडा रोपण से लेकर दहन तक किया जाने वाला नृत्य है। होली का जब डांडा रोपण कर दिया जाता है वहाँ, उस दिन से स्टार्ट होता है गीदड़ नृत्य, जो दहन तक किया जाता है। पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर गीदड़ नृत्य करते हैं। तीसरा नृत्य है डप, जो कि बसंत पंचमी पर किया जाता है। डप नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। चौथा नृत्य है कच्ची घोड़ी, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें किस प्रकार का पैटर्न, पक्षी के पंख जैसी आकृति बनती है इस नृत्य में। और कुछ नृत्य हैं जिनको पढ़ते हैं हम। ढोल नृत्य, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, सांचलिया संप्रदाय के लोग करते हैं, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय नारायण व्यास को जाता है। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है, ये जालौर का ढोल नृत्य फेमस है। नेक्स्ट है डांडिया नृत्य, जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ये नवरात्रों एवं होली के अवसर पर किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। अग्नि नृत्य, इसका उद्गम स्थल कत्रियासर बीकानेर, चसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं अग्नि नृत्य। नृत्य करते समय गुरुजी री फतेह फतेह बोलते हैं, मतलब इनका नारा रहता है, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी रहते हैं उनका नारा रहता है गुरुजी री फतेह फतेह, ये बोलते हुए वो ये नृत्य करते हैं। और जो नृत्य करते हैं अग्नि नृत्य, वो सिद्ध कहलाते हैं। बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को आश्रय दिया था। नेक्स्ट नृत्य है बम नृत्य, मुख्य रूप से भरतपुर का लोक नृत्य है। ये नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है खारी नृत्य, खारी नृत्य मुख्य रूप से अलवर का फेमस है, अलवर का लोक नृत्य है ये। दुल्हन की विदाई के समय सहेलियां खारी गीत गाती है, सहेलियां खारी गीत गाती हैं जब दुल्हन की विदाई होती है। नेक्स्ट नृत्य है बिंदोरी नृत्य, ये नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है डांग नृत्य, ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है,
ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का। ये होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, इसका उद्गम स्थल है पादरला गांव पाली। ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण ही तेरह ताली नृत्य होता है। कांवड़िया जाति की महिलाएं करती हैं इस नृत्य को, और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। इसमें तेरह मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः जैसलमेर में किया जाता है। तेरह मंजीरों का उपयोग करने के कारण ही इसको तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट नृत्य है पेजन नृत्य। ये नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। पेजन नृत्य मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है, और ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है सुकर नृत्य। ये नृत्य वर्तमान में अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है, मतलब ये नृत्य बहुत ही कम जगह पर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है चरकुला नृत्य। ये नृत्य भरतपुर का फेमस है। अब घूमर नृत्य के बारे में देखते हैं। ये नृत्य रजवाड़ी नृत्य है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। ये सभी नृत्यों का सिरमौर है, ये आप सभी को पता ही है। ये राजस्थान की आत्मा कहलाता है, ये भी आप सभी को पता है। कौन सी भी कुछ भी त्यौहार हो, कुछ भी अवसर हो, घूमर नृत्य तो हर जगह किया ही जाता है। ये शास्त्रीय राग पर आधारित है। महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। हाँ, मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, लेकिन आजकल पुरुष भी ये नृत्य करने लगे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आए तो आप महिलाएं ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नृत्य है नाहर नृत्य। ये नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये नृत्य शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भवाई नृत्य। ये भवाई जाति की स्थापना 400 वर्ष पहले नागोजी जाट ने की थी। भवाई जाति की स्थापना 400 वर्ष पहले नागोजी जाट ने की थी, और भवाई जाति के लोग भवाई नृत्य करते हैं। ये नृत्य नंगे पांव, नंगी तलवार, कांच के टुकड़ों पर और थाली के किनारों पर किया जाता है। इसमें शास्त्रीय कला की झलक है। प्रसिद्ध कलाकार यानी भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं दयाराम, तारा शर्मा और अस्मिता काला। ये उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध हैं। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है थाली नृत्य। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तजन इस नृत्य को करते हैं। थाली नृत्य को बाबूजी के भक्तजन करते हैं। नेक्स्ट नृत्य है भैरव नृत्य। ये ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। भैरव नृत्य ब्यावर का प्रसिद्ध है। ये नृत्य बादशाह बीरबल की सवारी के टाइम पर किया जाता है, सवारी निकालते समय किया जाता है। जब बादशाह बीरबल की सवारी निकलती है अजमेर ब्यावर में, उस समय भैरव नृत्य किया जाता है। ये होली के तीसरे दिन किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं गुड़ला नृत्य के बारे में। गुड़ला के बारे में आप सबको पता ही होगा, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसमें महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटके रखे होते हैं, जिसके अंदर दीपक जलाकर रखा जाता है। इस मटके को ही गुड़ला कहा जाता है। जो छिद्रित मटका रहता है उसके अंदर दीपक जला देते हैं, और वो सर पर रख के फिर नृत्य किया जाता है, तो वो गुड़ला नृत्य। और गुड़ला नृत्य के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक तो क्या, ऐतिहासिक कथा बोल सकते हैं इसको। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है, एक बार मारवाड़ के पीपाड़ नामक स्थान पर स्त्रियाँ तालाब पर गौरी पूजन कर रही थी। तभी क्या होता है, अजमेर का सूबेदार मल्लू खां इनका हरण करके ले जाता है। तब जोधपुर नरेश सातलदेव उसका पीछा करते हैं, और उन दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां का सिर छिद्रित कर सातलदेव द्वारा लाया गया था। तब से ये नृत्य किया जाता है। शीतलाष्टमी पर गुड़ले का त्यौहार भी मनाया जाता है। मतलब जब ये सातलदेव थे ना, इन्होंने गुड़ले खां का सर काट के मतलब उन महिलाओं को दे दिया था, तो उन्होंने महिलाओं ने नृत्य करते हुए पूरे गांव में घुमाया था। तब से ये गुड़ला नृत्य शुरू हुआ है। नेक्स्ट नृत्य है चौगाल नृत्य। ये डूंगरपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य, ये नृत्य मुख्य रूप से केला देवी के मेले में किया जाता है। ये करौली क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लुम्बर नृत्य, ये जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कठपुतली नृत्य, ये उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रमुख रूप से जो मेन मेन लोक नृत्य थे राजस्थान के। इसके अलावा बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं है। ये मुख्य मुख्य जो थे वो उसका मैंने नोट्स बनाया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, क्विज लगाने वाला हूँ।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और नई नई चीज़ें लेके आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।